अस्सलाम वालेकुम गाइस, ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। वो ये है कि पहली बात, ये ब्लॉग मेरा इतनी देर बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी एडिटिंग डिवाइस ख़राब हो गई थी, जो मैंने उस पर सारा सेटअप किया था अपनी एडिटिंग का, वो दूसरी डिवाइस पे करने में देर लगी थी, जिसकी वजह से ब्लॉग बहुत देर बाद आ रहा है। तो वैसे मेरा मतलब कि मैंने सोच तो ये लिया था कि ये ब्लॉग अब से इसको मतलब कि नहीं बनाऊँगा, पर फिर मैंने कहा यार ब्लॉग अच्छा है, अच्छा बन गया, मेहनत की है थोड़ी सी तो उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये बात थी, और बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और इसलिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। इंशाल्लाह जल्दी वो मोबाइल ठीक होकर जब आएगा तब फिर जल्दी फुल म्यूज़िक के साथ वीडियो करेंगे, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। तो इंशाल्लाह जल्दी मोबाइल ठीक होके आएगा, और बाकी में मेरे पास व्लॉग्स दो तीन पड़े हैं, वो एडिट होंगे फिर वो अपलोड होंगे। बाकी गाइस एंजॉय द वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ईद व्लॉग है ये हमारा, आपके भाई की तरफ से ईद व्लॉग। आज ईद नहीं है, कल को ये ईद, तो बहुत बोरिंग सा स्टार्टअप है, पर एडजस्ट कर लेंगे ना। हाँ वैसे ट्राईपॉड ना ही ले, अभी देख लें लेजीनेस आपके भाई की कि शलवार अभी सिल रही है, कल को ईद है तो अभी शलवार लेनी है। और ये चांद रात तो नहीं है इसकी वजह से, और आज जानवर देखने जाना है। ईद का व्लॉग भी इसी में ही होगा, और व्लॉग बहुत देर बाद आएंगे, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। तो बाकी अभी हम देने देख लिया। हाय, ये है बच्चा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पहले हम अच्छा खरीदते थे पर इस बार हमने खरीदा नहीं है, इस बार हमने अपना ही इस्तेमाल किया है। और ये हमारा फार्म ट्यूबल कहते हैं हम इसको, पता नहीं इसको क्या नस्ल में कहते हैं, जो भी। वेलकम, इस तरह आपने खुशी देखी होगी कि हम हो आए हैं, तो ऊपर कर लें इसको, हम हो आए हैं गाइस, हम लोग हो आए हैं अपने उधर से, क्या कहते हैं यार, ट्यूबल से, हाँ ट्यूबल ही कहते हैं। वहाँ से आप लोग को जानवर भी दिखा लिए, खुद भी देख लिए, मज़ा वो भी घर आया हूँ, मज़े से देखी हैं। तो सुबह ईद है, ईद से पहले अभी हम कुछ बातें कर लें, क्योंकि ये बातें ईद पे नहीं अच्छी लगेंगी, तो बातें अभी हम बैठ के कर लेना तो बस ठीक है। अच्छा काम बच्चे से, तो यार काम है काम, तो भाई यार इतने दिनों से ना मेरी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे और मैं मतलब कि 3 व्लॉग पड़े हैं, अब एक ये व्लॉग पड़ा, तीनों को अभी एडिट करना उसको बहुत काम है, उसके वो 2-3 प्रॉब्लम है यार जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पा रहा, वो हो जाएंगे तो सॉल्व। और आज मैंने अपनी इस्लामाबाद वाली वीडियो एडिट करनी थी, मतलब कि प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे पास व्लॉग नहीं आ रहे। और दूसरी बात, व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे, मेरे पेपर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से व्लॉग आना मुश्किल है, तो मतलब कि पेपर्स आ रहे हैं बाई मंथली 2 से। और कल हुआ कुछ यूँ कि जो मोबाइल है ना नोकिया 6.1 प्लस, जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ, कुछ वीडियो शूट भी करता हूँ, छोड़ते हैं हम करते हैं बात। और उसकी जो स्क्रीन थी ना मोबाइल की, वो हो गई पूरी ब्लैक, लेकिन ख़राब हो गई, पता नहीं उसको क्या हुआ, कल ही हुई है क्योंकि क्या यार ईद पे ही ख़राब ज़रूर होनी थी, ऊपर से मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं। चलो ब्लॉग्स तो शायद मैंने आज एडिट करना था, हो जाना था। खैर अब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, और ये बड़े ईद के दिनों बाद आएगा, क्योंकि देख लें अब मैंने कल मतलब कि पढ़ाई करनी है, अभी ईद के 5वें दिन, ईद के 5वें दिन पेपर स्टार्ट। बाकी यार दूसरी बात ये थी कि ना मतलब कि मेरे साथ ये हर बारी होता है, मतलब कि ये 1 दफ़ा की बात नहीं, हर बारी ये होता है आपके भाई के साथ, मतलब कि जब ईद आ रही होती है ना, या मेरा गला ख़राब हो जाता है, या मेरी
कोई मसला हो जाता है, वैसे तो होता रहता है, जुकाम है और मेरा ये दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, पता नहीं मिलकी, अभी तक मुझे ये नहीं कंफर्म हो रहा कि ये मिलकी है या दूसरा है, पर कोई चीज़ खाई भी नहीं जा रही मेरे से, मतलब कि भाई साहब चीज ख़राब होनी होती है जो भी हो जाए। और दूसरी बार कोरोना वायरस ने, कबाब में हड्डी जरूर बना था, अच्छी वाली ईद होनी थी, हम लोगों ने जाना था, पर नहीं भाई, कोरोना वायरस ने मेरी पिछली ईद भी ख़राब कर दी थी, जिसकी वजह से मैं दोस्त एक के साथ ही मिला था और कोई आ नहीं पाया, और हम ईद की नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए थे, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैंने अपनी, जब से मुझे होश आया है और होश नहीं भी था तब भी मैं ईद की नमाज़ पढ़ता था, मतलब कि क्या यार इतनी ईद की नमाज़ पढ़ पर इस COVID-19 कोरोना वायरस ने ना, क्या छोड़ो भाई, तो अभी फिर बाय बाय, कोई कुछ हुआ सी कैप्चर करने का तो मैं कर लूँगा, वरना सुबह को मिलते हैं। एक मिनट, कैसा रही है भाई? नहीं रही अच्छा। मेरा वैसे प्लान ये था कि ना फुल मैं, मतलब के पहले कपड़े चेंज किए बगैर नीचे आऊँगा, फिर मैं शॉर्ट लूँगा और फिर मैं कपड़े चेंज करके आऊँगा, लेकिन वो मैजिक वाला शॉर्ट लूँगा, पर लेट ही इतना हो गए कि अब एक मस्जिद से तो अब जो ईद की नमाज़ चले गई, अब दूसरे मस्जिद जाना पड़ेगा, तो ज़रा दूर है, हम जाते हर बार उसी जगह, बस कोरोना की वजह से वो ईदगाह नहीं जा रहे थे, हम इधर मस्जिद में जा रहे थे, पर इधर अब नहीं जा सकते क्योंकि जुमा चला गया, अभी भी तैयार हुआ, अब वहाँ अभी टाइम ख़राब है, अभी 6:10 हो रहे हैं और यहाँ 6 स्टार्ट होना था, अभी मैं तैयार होके आया हूँ, बाबा वगैरह तैयार हो रहे हैं, 7 वहाँ पे स्टार्ट होना है, तो वहाँ 7 अभी हम जा रहे हैं, तो बस चेक करें। अभी हम शाम हो गई है, दोपहर को सो गया था, पूरी रात ही सोया, अभी मैं इधर आए हैं, सारे भाई वगैरह सारे इकट्ठे होके आए हैं इधर, हम फोटोग्राफी इधर मदीना से हमने आए हैं फोटोग्राफी करने के लिए, तो अभी कुछ पिक्चर्स जो मैंने खींची हैं खिंचवाई हैं वो आप देख सकते हैं फेसबुक पे, महत्वपूर्ण सर्च करें, मेरा पेज आएगा, लाइक कर दें, फॉलो कर दें और पिक्चर भी देख लें इसकी, थोड़ी चौक भी ला दें, इन्हें नहीं कि स्पेशल में फोटो वास्ते इनकी तरफ से, मतलब यार रैंडम बंदा ये हो रहे जिनकी फोटोग्राफरी हो रही है और ये फोटोग्राफर सारे हम खिंचवा रहे हैं, इनकी भी खींच रहे हैं, ये चीज इस तरह किया करे पोज, ये दाग इधर ये खींच दाग भी आप दे दिए, ओहो ओहो ओके ओके, अरे ओए क्या कह रहे हो, ओए हां मतलब हल्का सा ये चस्का नहीं छोटा वो आ 8 मन ये मर जाए, अच्छा वो करना कट्टा वो आ कट्टा वो कट्टा तो भाई सीधी सीधी बात है भाई, मैं फैमिली के साथ जा रहा था इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, और हुआ मेरे साथ कुछ यूँ था कि मैं ना, मतलब के वो ले गया था अपना कैमरा ले गया था और मेरी बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने अपने के कज़न के फ़ोन से मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, ये जो आप देख रहे हैं सारा सीन, तो हम लोग उकारे गए थे, तो बाकी उकारे के सिनेमैटिक्स कुछ मैंने बनाए हैं, तो बस आप वो चेक करें। तो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम हाथ साइनिंग ऑफ इख्ताम। अब मैं हाथ नहीं रख सकता क्योंकि स्क्रीन ही ब्लैक है, तो बाय।